पे पिक्चर सेक्शन दो मछली दो मछली अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो ब्लॉग है ना, ये हम लोग अभी कर रहे हैं मामू की दावत की तैयारी। तो कल उनकी दावत है, तो अभी रात में 11:30 हो रहे हैं और भाभी तैयारियाँ कर रही हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, हम लोग कल बनाएंगे फिश टिक्का और साथ में क्या विंग्स बनाने वाले हैं। अभी हम जो मेडिसिन की चीज़ें वो करने लगे हैं, और खीर भाभी ने बना लिया है, और क्या बना, रसमलाई वो कल बनाएंगे। नहीं, वो भी रेडी, वो रसमलाई भी रेडी हो गई है। बाकी जो सालन ये सब चीज़ें वो सुबह बनाएंगे, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है। रसमलाई, तो ये जो विंग्स है ना, इसके अंदर हम लोगों ने वो कर लिया है। क्या किया है? मतलब इसको नाइफ के साथ ना हम लोगों ने पाउंड टाइप, उसको मतलब पाउंड होता है ना, हैमर से करना है इसको। बस हमने कट्स लगा दिए नाइफ के साथ, ताकि इसके अंदर तक मसाला चला जाए। और मसाला भी मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा यूज़ करना है। ये फिश है, और फिश का मसाला हम लोगों ने कैसे रेडी किया है बताएं ज़रा भाभी जी। फिश के मसाले में हमने क्या ऐड किया है? नमक, लाल मिर्चें, दड़ा मिर्च, जीरा और सूखा धनिया पाउडर। पाउडर हम आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। हाँ जी, लेमन का जूस है और लेमन जूस है। और अब हाँ, हमने इसके अंदर फिश टिक्का भी डाला है, ये वाला शान का, ठीक है। ये भी एक चम्मच डाला है, और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। अब इसके अंदर ही हम लोग डाल रहे हैं बेसन, और उससे जो है ना, जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो कोटिंग बड़ी क्रिस्पी सी बनेगी। तो बस ये चीज़ें हैं, तो हम इसको मैरिनेट करने लगे हैं। ये आपको हमने रेसिपी भी साथ साथ दे दी। ये हमारा सीक्रेट मसाला है। ये जो है ना, मैं आपको बताऊंगी इसका क्या राज है, ये अभी नहीं बता रही, ठीक है। तो हमने इसके अंदर ये यूज़ करना है बस। इसके अंदर हर चीज़ है, और इतना यमी बनता है ना। तो साथ में हम लोग लेमन जूस यूज़ करेंगे, और बस इन दोनों चीज़ों से इसको मैरिनेट करना है, और बहुत मज़े का बनेगा। तो ये मैं आपको बाद में बता दूँगी, फ़िलहाल हम लोग इसको मैरिनेट करने वाले हैं। ये हमारी शेफ़ उज़्मा इन द किचन। ये देखिए, इसको मसाला हम लोगों ने अच्छे से लगा लिया, जितना भी हमने बनाई थी मैरिनेशन इसके लिए वो सारी हमने यूज़ कर ली है। अब हम इसको रख देंगे पूरी रात। जब भी इसको रखेंगे ना, तो बहुत अंदर तक मसाला जाएगा, ठीक है। सही। अभी हम जो है ना, वो आए हैं डिनर से, और हमने मेकअप भी नहीं उतारे। और हाँ, मैं बताना भूल गई कि हम लोगों ने इसके अंदर एक गार्लिक क्लोव जो है ना, उसको भी वो डाला है, क्या करके ग्राइंड करके डाला है, ठीक है। तो ये भूल गई थी मैं फ़िश के अंदर। तो अब हम रेडी करने लगे हैं विंग्स के लिए। और इसमें हम लोगों ने कितने लेमन जूस लिए हैं? दो बड़े वाले, दो बड़े वाले, हाँ, बड़े लेमन लिए हैं। और उसके अंदर हमने 2 kg इसके अंदर ऐड किए हैं, 4 चम्मच ये मसाले के। और हमने अगर 1 kg गोश्त ले रहा है ना, तो उसके अंदर हम लोगों ने ऐड करने हैं कितने, 2 चम्मच, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली तो इसको हम लोग मैरिनेशन इसकी करने वाले हैं, और फिर हम लोग भाभी कह रही हैं मुँह धोएंगे और सो जाएंगे। तो ये हमारी मैरिनेशन हो गई है डन, अब मुँह धोते हैं और जाते हैं, सो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, तो ये है नेक्स्ट डे, और अभी गेस्ट आने वाले हैं, और मैं जल्दी से अपने कपड़े मैंने रेडी किए, आयरन किए, वो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ, और फिर चलते हैं नीचे। और काफ़ी हद तक हमारा काम शाम हो चुका है, और बाकी का जाके देखते हैं। और उससे पहले इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वो भी कर दे, किस चीज़ का वेट करें। आई नो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो अभी मैं ये वाला ड्रेस मैंने रेडी किया, इसको आयरन किया है, एक यही ड्रेस पहनने वाला बचा था, तो मैंने सोचा ये भी इसको यहाँ पहन लेती, क्योंकि यहाँ पे ठंडी है और ये करंडी का ड्रेस है। तो बस अब मैं रेडी शेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अब नीचे चलते हैं, और जाके मैंने शनवारी बनानी है, बाकी सब काम भाभी ने किए हैं। और साथ साथ मैंने कमरा भी नीट एंड क्लीन कर लिया, क्योंकि ये देखें अब बस हम लोग जाने वाले हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत रश हुआ है, हर चीज़ पैक शैक कर रहे हैं साथ साथ, तो इस वजह से फिर यहाँ बहुत मैसी हुआ था ये रूम, तो मैंने थोड़ा सा क्लीन किया इसको। और ये मम्मा का भी रूम नीट एंड क्लीन हो गया, अब इनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाय हाय, लाइट इतनी तेज़ होगी, अब चलते हैं जल्दी से नीचे। लेट्स गो। आज सुबह से ही ना बारिश हो रही है, बहुत मज़े का मौसम है, और यहाँ पर तो जो है ना ठंड जा ही नहीं रही, पाकिस्तान जाके ना, हाँ जी हमें सही ठंड याद आने वाली है। यस, ये देखें अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आप रेडी हो गए हो? कौन आ रहा है आज? खुदा आ रही है। और ये देखे हमारी फातिमा मैडम, और ये आबिश मैडम, दिखाओ अपना ड्रेस, दिखाओ खड़ी होके। यू लुक सो प्रिटी आबिश, आप दिखाओ। और यहाँ मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, ये दो नए मेहमान मेरे मुंह पे आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ड्राइनेस है, और ड्राई वेदर की वजह से ना, जब स्किन ड्राई होती है ना, तो स्किन पे कुछ ना कुछ जरूर निकलता है। यहाँ पे फाइनलाइज हो रहे हैं दही बड़े, और ये बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ खोल के। ये है चिकन बिरयानी,
ये है देसी चिकन शोरबे वाला, और अब बन रही है यहाँ पे शिनवारी। शिनवारी को दम दिए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, और इसको पहले हमने प्रेशर कुक कर लिया था। ये तो इसकी रेसिपी मैंने बड़ी दफ़ा शेयर की, इसलिए मैंने तो इतना खास बताया नहीं है। तो बस अब मैं टमाटरों के छिलके उतारूंगी थोड़ी देर में, और इसके अंदर हम लोग साथ में अपने थोड़े स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। पहले सिर्फ नमक के अंदर हमने इसका कलर चेंज करना होता है गोश्त का, और उसके उसको हमने प्रेशर कुक करना होता है फॉर अबाउट 5 to 7 मिनट्स। साथ इसको भी क्लीन कर दें अगर कुछ गलत हो जाए। हाँ, मैं कुकिंग करूँ और कोई उल्टा काम ना हो। ये देखिए मेरे सारे कपड़ों पे छीन पड़ गई, बस मैंने यूँ चम्मच जोर से मारा और सारी छिट्टे उड़ के मेरे कपड़ों पे। अब मैं इनका क्या करूँ। टमाटरों के छिलके सारे हमने उतार लिए और अपने कपड़ों पे दाग भी लगवा लिए। बस अब इसकी आग फुल तेज़ करके इसको हमने पकने देना है, और फिर हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। इसके अंदर मैंने जीरा धनिया का पाउडर भी ऐड कर दिया, गर्म मसाला भी एंड पे ऐड करेंगे फाइनल जब करेंगे, और थोड़ी सी काली मिर्चें भी। अब यहाँ पे भाभी बेक करने लगी हैं विंग्स, जिनको हमने रात को मैरिनेट किया था। ये लें जी, हमने इसको ग्रीस कर लेना है, इसके ऊपर फॉइल लगा गया मेरे से गिरने वाला पकड़ा। ये है जी हमने जो मैरिनेट किया था, ये इसकी यमी यमी लग रहा है, थोड़ा स्पाइसी भी लग रहा है, अब देखो कैसा बनता है। अब हमने इसके ऊपर भी ऑयल के साथ ग्रीसिंग करनी है। अगर आप लोगों ने ऐसे नहीं करना तो आप मैरिनेशन के अंदर जो है ना वो ऑयल डाल सकते हैं, 1-2 चम्मच। वो नहीं हमने डाला था तो हम ऊपर से कर रहे हैं। ओवन को हम थोड़ी देर प्री हीट करना है, उसके बाद हमने इसको लगा देना है। चलें, ये लगने वाले हैं। बाय बाय। ये हमारी सैलड भी डन हो गई है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी ड्रेसिंग डालते हैं और फिर हम इसको फाइनलाइज करते हैं। ये भी चलो ये हो चुका है डन, और इसका खलारा देखें, हर जगह इसने छींटे मचाए हुए हैं और मेरे कपड़े भी गंदे कर दिए। ये शिनवारी डन हो गई है, और ये हमारे मास्टर शेफ नमक मिर्चें चेक करते हुए। सही है। अब ये वाली भी करके बताएं। चले अभी इसकी बारी है, इसमें भी थोड़ा सा कम होगा कि ठीक है। अभी समझ नहीं है मास्टर शेफ को। बताएं अब थोड़ा सा कम कम है कोई बात, खाई भी जा रहे ऊपर से तोड़ लेंगे। या आप खुद खाने लगे, मुझे लगा आप ही को खिलाने लगे। नहीं नहीं, ये हमारे एक साइड से डन हो गए, अब दूसरी साइड से हम इनको पकाने लगे हैं और इसको पलट रहे हैं बस। हाय हाय। चलो जी, ये हमारी फिश जो है ना बस फाइनल हो रही है, और मामू वगैरह आ गए, और ये चिकन पकोड़े। अब हम चलते हैं बाहर। इधर से देखो, इधर से देखो आप लोग, वो भाई मामू को लेने जा रहे हैं। ये हमारी सैलड्स, दही बड़े, और ये शिनवारी है, ठीक है। और बस बाकी मैंने आप लोगों को जूते दिखा दी हैं, और ये मेरी भाभी हैं। और ये हमारे फिश बन रहे हैं, और वो चिकन पकौड़े, ये बाकी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा मेन्यू है, और हम फटाफट लगाते हैं, फिर आपको फाइनल लुक भी दिखाते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारी फिश जो है वो रेडी हो गई है। एक बार हम इसको इसमें निकाल के फिर इसमें रखेंगे, क्योंकि ये फिर सारा ऑयल इसमें एब्जॉर्ब हो जाए एक बार। वो देखिए मामू लोग आ गए हैं, उनकी गाड़ी आ गई है भाई। ये मामू लोग आ गए हैं, हम लोग मिला जुला कर दिए। और ये हुदा है। हुदा कहाँ आई हो? ये हुदा को मैंने लिपस्टिक लगा दी। और शिट, विंग्स भी डाल हो गए हैं, बस इसको निकाल रहे हैं, डिश आउट कर रहे हैं। इट्स डन, लुक सो यमी। अब हम इसको रख के आते हैं। कैसा है खाना? चले अब मीठे की बारी है। दोबारा बोले रीटेक। अब मीठा भी खा के बताया। मीठी मामी के लिए मीठा मीठा। यमी ओशी। यह
जहाँ पे मीठे चल रहे हैं। मैंने कहा मुझे एक ही बजाय दो डाल दो, मुझे रसमलाई बहुत पसंद है। ऐसे मजा ही है। बहुत अच्छा। ये मम्मी आपने खीर खा ली? हाँ खीर भी बहुत। क्यों खाई? इसलिए खाई। ये देखो जरा, इस तरह से आपके लिए वीडियोस बनती हैं। ये देखो ये देखो। बारिश में क्या क्या कर रही हैं? बच्चों के साथ बैठी हूँ नीचे और शॉर्ट बना दी। नहीं मैं इसी का पूछ रही हूँ कि ये क्या क्या है। सही सही बताया। ठीक है ठीक है। इनकी अपनी लड़ाइयाँ चल रही हैं। तुम भी पी रही हो? अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, वहाँ पे मूवी शूवी चल रही है, सब इधर बैठे हुए हैं। और मम्मी के लिए मैं कॉफ़ी बनाने लगी हूँ। ये मम्मी की कॉफ़ी मैं देने जा रही हूँ। ये है मेरी फुल लुक, ये मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं थी। और ये मैंने मम्मी के शूज़ पहने हुए हैं। और अभी हम लोग स्टोर पर जा रहे हैं। पूरे दिन बारिश ही होती रही है और अभी भी बारिश हो रही है। और ये फिट होके बैठ चुके हैं। हाँ जी, ये भाभी मटके ढूंढ के लाई हैं। ये चाय तो अंदर है नहीं है। इन लोगों ने पूरा जापान तो पाकिस्तान में इकट्ठा किया हुआ है हर चीज। ये लेके आए हैं मामू और अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है। ये तो केक है ना, और ये क्या है? खोलें इसको भाभी। ये है कुकीज। ये तो बड़ी मजे की लग रही है, बाकी हम आपको खा के बताएंगे। और ये केक तो बहुत मजे का लग रहा है। वाह, और लेके जाओ। हाँ जी, और फिर सबको। हाँ, इसके ऊपर पेटल्स भी डाले, कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी की रिसेंटली शादी। हाँ, कितने मजे के लग रहे हैं। अभी हम खेलने वाले एक बहुत वायरल गेम, एक मछली पानी में गई। पानी में गई। पहले हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो जी, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आप ही की क्यों? मेरे सामने डाइनो पड़ा हुआ है। अच्छा जी, चलो हमने एक दूसरे को देखा। एक मछली पानी में गई। नहीं, वो आउट हो जाएगा। दो मछली, दो मछली पानी में गई। पानी में गई। छपैक, छपैक। तीन मछली, तीन मछली, तीन मछली पानी में गई। पानी में गई, पानी में गई। छपैक, छपैक। चार मछली, छपैक हो गया। चार मछली, चार मछली, चार मछली, चार मछली, चार मछली पानी में गई। पानी में गई, पानी में गई। छपैक, पानी में गई। पानी में गई, पानी में गई। मैं एक मछली, चलो एक मछली, एक एक मछली पानी में गई। पानी में गई। छपैक, छपैक। दो मछली, दो मछली पानी में गई। पानी में गई, पानी में गई। छपैक, छपैक। तीन मछली, तीन मछली पानी में गई। चलो जी, आई एम द विनर। तो जनाब, हम वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। और बस अभी हमने बाय बाय भी करना है, वो भी आपको दिखाते हैं। उससे पहले इन मैडम को शाउट सबा उमैर, इनका चैनल का नाम है, आप सर्च कर सकते हैं और जाके इनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आई होप के आपको इनकी भी वीडियो सबा उमैर, मतलब आप जब लिखेंगे तो सबा के SABAH। हाँ, और उमैर, ठीक है ना, तो आपको मिलेगा वैसे साइड। नहीं, मिल जाएगा। हाँ, ओके, बाय बाय। यहाँ पे पिक्चर आप भी मिल रहे। हाँ, अल्लाह हाफिज़। सबा चली गई, नहीं पता नहीं। इधर भी ये वही पाकिस्तानियों वाला काम हो रहा है कि दरवाजे पे भी आके आधा घंटा खड़े रहना और फिर बाय बाय बोलने। चलो, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, बाय बाय, चलो मिलो, मिलो शाम में।